हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। फ्रेंड्स, क्रिसमस आने वाला है और ऐसे में घर में कुछ बेक करना तो बनता है, तो आज मैं आपके लिए स्पॉन्ज केक की रेसिपी लेके आई हूँ और ये केक मैं आपको माइक्रोवेव और कुकर दोनों में ही बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए अपना स्पॉन्ज केक बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्ज केक बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 1.5 कप मैदा, ये लगभग 250 ग्राम के करीब मैदा है, और यहाँ पे मैंने 3/4 कप दूध ले लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे है। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिया है, और यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच बटर ले लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे है। 1 बड़ा चम्मच वनीला एसेंस है, 1 बड़ा चम्मच है वेनेगर। अगर आपके पास वेनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी है, 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, और 200 ग्राम के करीब यानी 3/4 कप मैंने ले लिया है कंडेंस मिल्क। तो चलिए हम अपना ये स्पंज केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो केक की रेसिपी बनाने से पहले हम अपने केक टिन को तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसमें हल्का सा ऑयल लगा करके इसे लाइन कर दूंगी, जिससे जब हम अपना केक इसमें डालें तो ये अच्छे से डीमोल्ड हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा बर्तन नहीं है और आप केक कुकर में बना रहे हैं तो आप कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं जो कि राउंड शेप का हो। तो अब मैं इसमें यहाँ पर हल्का सा ऑयल डाल दे रही हूँ और इसे मैं अच्छे से ग्रीस कर दूंगी चारों तरफ से। तो टिन ये अच्छे से ग्रीस हो गया है और अब मैं इसके ऊपर बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लगा दे रही हूँ, जिसे मैंने राउंड शेप में काट लिया था। तो बटर पेपर लगाने से क्या होता है कि केक हमारा नीचे से चिपकता नहीं है, और इस पार्चमेंट पेपर के ऊपर भी मैं हल्का सा ऑयल लगा दे रही हूँ और किनारे किनारे भी मैं पार्चमेंट पेपर लगा दूंगी, जिससे हमारा केक अच्छे से डिमोल्ड हो सके। तो हमारा केक टिन यहाँ पे तैयार हो गया है। जिन लोगों के पास पार्चमेंट पेपर नहीं है वो नीचे हल्का सा ऑयल लगा करके इस पे मैदा डाल दें और उसे अच्छे से ऐसे हिला हिला करके डस्ट करें, और इसके किनारे किनारे भी मैदा लगा दें और एक्स्ट्रा मैदा बाहर निकाल लें। इससे क्या होगा, आपका केक नीचे चिपकेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये केक माइक्रोवेव और कुकर दोनों में बनाना सिखाऊंगी। जिन लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं है वो कुकर में कैसे ईजी तरीके से ये केक बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अपना केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और अब मैं इसमें 3 चम्मच के करीब बटर डाल दूंगी। ये हमारा नॉर्मल सॉल्टेड बटर है जो कि रूम टेम्परेचर पे है। इसमें फ्रिज में रखा हुआ बटर हम नहीं डालते हैं, उससे क्या होता है हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो आप अपने बटर को रूम टेम्परेचर पे कर लें तब यूज़ करें। और अब मैं इसमें 3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। हम इसमें कोई भी फ्लेवर वाले ऑयल का यूज़ नहीं करते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा केक उस ऑयल के फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर लेगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बटर और ऑयल इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि बटर से उसमें रिचनेस आए और ऑयल से उसमें सॉफ्टनेस आए। आप चाहें तो उसमें सिर्फ ऑयल का ही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बटर डालने से हमारा केक थोड़ा रिच बनता है। तो अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी मिक्स कर दूंगी और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें 3/4 कप या फिर 200 ग्राम के करीब कंडेंस मिल्क डाल देंगे। ये डालना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारे केक में एक क्रीमी और मिल्की फ्लेवर आता है। तो अब हम इसे इसमें डाल देते हैं और साथ ही में हम इसमें 1 चम्मच के करीब वनीला एसेंस भी मिला देंगे। तो ये मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस भी ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसको तब तक फेटेंगे जब तक कि इसका एक स्मूथ टेक्सचर ना बन जाए। कम से कम हमें इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फेट लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3/4 कप के करीब दूध ले लिया है, जिसमें मैं 1 चम्मच वेनेगर मिला दूंगी। अगर आपके पास वेनेगर ना हो तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ये ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। और फिर हम इसे इस मिक्सचर में मिला करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें ये अपना वेनेगर मिला देते हैं। तो अब हम इसे साइड रख देंगे और अब हम अपना ये मिक्सचर फेटना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये कंडेंस मिल्क का मिक्सचर यहाँ बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उस पर मैंने एक बड़ी सी छन्नी लगा दी है, और अब मैं इसमें ये 1.5 कप के करीब मैदा डाल दूंगी, और साथ ही में हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा मिला देंगे। और अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। फ्रेंड्स, इसे छानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे छानने से क्या होता है, हमारे मैदा में थोड़ा एयर आ जाता है, जिससे हमारा केक अच्छे से फूलता है।
तो हमने इसे अच्छे से छान लिया है और अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, नहीं तो हमारे इस मैदे में लम्स पड़ जाएंगे। तो इसे हम अच्छे से चलाएंगे, हमें इसे बहुत तेज़ी से नहीं चलाना है, नहीं तो ये बहुत ही स्टफ सा बन जाएगा। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध मिला दे रही हूँ और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मिक्स करके हमें इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। तो ये बाकी का मिक्सचर मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये बहुत ही गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और मिक्स कर देंगे। तो हमारा केक का बैटर यहाँ बनके रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊपर से अगर पोर किया जाए तो ये नीचे रिबन जैसा बनके तैयार हो जाए। तो अब हम इसे अपने केक टिन में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये 8 इंच का केक टिन है मेरा और अब मैं इसमें ये सारा बैटर डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, कभी भी हमें केक टिन को आधे से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे ज़्यादा भर देंगे तो पहला तो हमारा केक अच्छे से पकेगा नहीं अंदर तक, और दूसरा ये जब हम बेकिंग करेंगे तो ऊपर से केक बह जाएगा। तो मैंने इसमें सारा ये बैटर डाल दिया है और अब मैं इसे 5 से 6 बार अच्छे से पटक दूंगी, जिससे इसके अंदर अगर कोई एयर बबल्स हैं तो वो बाहर निकल जाएं। और अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे कम से कम 40-45 मिनट्स के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स, हर किसी का ओवन अलग अलग होता है, तो इसे हम 30 मिनट बाद एक बार चेक कर लेंगे। इसके अंदर टूथपिक डाल के चेक करेंगे, अगर वो क्लियर निकल गई तो इसका मतलब हमारा केक बन गया है। तो फ्रेंड्स, हम 30 मिनट बाद ही इसे चेक करेंगे, इससे पहले इसे नहीं चेक करेंगे। अगर हम बार बार माइक्रोवेव खोल के चेक करेंगे तो क्या होगा, हमारा केक अंदर से सिंक कर जाएगा। तो अब मैं इसे डाल देती हूँ अपने माइक्रोवेव में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लिया है और अब हम इसमें अपना केक टिन डाल देंगे और अब मैं इसे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे कम से कम 40 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी 45 मिनट्स लगाए हैं, पर 30 मिनट बाद हम इसे अच्छे से चेक करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा केक अंदर तक पक रहा है या नहीं पक रहा है। तो चलिए, अब हम इसे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास माइक्रोवेव या ओवन नहीं है, वो कुकर में केक कैसे बनाए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें एक इतना बड़ा कुकर लेना है जिसमें हमारा केक टिन आसानी से घुस जाए। तो अब हम इसे जला देंगे और अब मैं इसमें 1 कप के करीब खाने वाला नमक डाल दूंगी। हाँ फ्रेंड्स, ये नॉर्मल खाने वाला नमक है हमारा, इसे मैंने कई बार बेकिंग में इस्तेमाल किया है इसलिए इसका कलर थोड़ा रेड हो गया है। तो अब हम इसमें एक ऐसा स्टैंड लगा देंगे, अगर आपके पास ऐसा कोई स्टैंड ना हो तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। तो हमें एक नीचे कटोरी लगा देना है जिससे हमारा केक टिन इसके ऊपर से रखा जाए और ये नमक से टच ना हो, नहीं तो हमारा केक जल जाएगा। तो अब हम इसे बंद कर देंगे और अब हम इस कुकर की सीटी और गैसकेट निकाल देंगे। मैं गैसकेट निकालना भूल गई थी, पर आप इसमें गैसकेट भी निकाल दीजिए। तो अब हम इसे बंद करके मीडियम हीट पे कम से कम 10 मिनट तक के लिए प्री हीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक 6 इंच का केक टिन ले लिया है जो मेरे 3 लीटर के कुकर में आसानी से आ जाता है और इसे मैंने बटर पेपर और ऑयल लगा करके अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सेम बैटर बनाया है, जो बैटर मैंने पहले वाले केक के लिए बनाया था वही बैटर मैंने यहाँ पे तैयार किया है और वो मैं अब इस केक टिन में डाल दूंगी। इस केक टिन को हम आधे से ज़्यादा नहीं भरेंगे, नहीं तो हमारा केक कच्चा रह जाएगा और साथ ही ऊपर से बह भी जाएगा। तो मैंने यहाँ इसमें सारा बैटर डाल दिया है और अब हम कम से कम 5 से 6 बार इसे टैप कर देंगे, जिससे इसके अंदर अगर एयर बबल हो तो वो निकल जाए, और इसे हम प्री हीटेड कुकर में डाल देंगे। तो ये मैं इसे टैप कर दे रही हूँ। तो अब मैं इसे प्री हीटेड कुकर में कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए डाल दूंगी, पर 30 मिनट बाद एक बार हम कुकर खोल करके इसमें टूथपिक डाल के चेक करेंगे। अगर हमारी टूथपिक क्लियर निकलती है तो इसका मतलब हमारा केक पक गया है। तो अब हमें इसे बार बार खोल के नहीं चेक करना है, नहीं तो हमारा केक नीचे से सिंक कर जाएगा। तो हम इसे 30 मिनट बाद ही चेक करेंगे। तो चलिए, अब हम इसे अपने कुकर में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, हमें कुकर के ढक्कन का ये रबर निकाल देना है। तो हमारा कुकर यहाँ पे गर्म हो गया है और अब हम इसमें केक टिन रख देंगे। फ्रेंड्स, संभाल के रखिए, क्योंकि ये कुकर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और केक टिन को हमें बिल्कुल बीच में रखना है, नहीं तो हमारा केक टेढ़ा हो जाएगा। तो चलिए, अब हम इसे बंद कर देते हैं और इसे हम 30 मिनट बाद अब चेक करेंगे। तो 30 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। वाओ, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। अब मैं इसमें एक टूथपिक डाल के देख लेती हूँ।
ये बिल्कुल ही क्लियर निकली है, इसका मतलब हमारा केक पक गया है। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारे दोनों केक तैयार हो गए हैं। ये वो केक है जो मैंने कुकर में बनाया है। ये ऊपर से लाल इसलिए नहीं है क्योंकि जो कुकर में होता है वो गर्मी नीचे से आती है, तो ये ऊपर से लाल नहीं होता है। पर माइक्रोवेव में जो गर्मी होती है वो ऊपर से आती है, तो इसलिए केक ऊपर से ज़्यादा लाल हो जाता है और नीचे से कम लाल रहता है। पर दोनों ही केक हमारे यहाँ सुपर सॉफ्ट और स्पंजी बने हुए हैं, तो अब हम इसे तब डीमोल्ड करेंगे जब ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों ही केक यहाँ ठंडे हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो अब मैंने इसे ऐसे पलट दिया, ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है। और दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही पलट देते हैं और थोड़ा टैप टैप कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये भी निकल गया है, तो इसका बटर पेपर हम उतार देते हैं। फ्रेंड, जो केक हम कुकर में बनाते हैं वो नीचे से ब्राउन हो जाते हैं पर ऊपर से वाइट रहते हैं, क्योंकि कुकर में नीचे से गर्मी मिलती है। और जो माइक्रोवेव में बनाते हैं वो ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं लेकिन नीचे से वाइट रहते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव में ऊपर से गर्मी मिलती है। तो चलिए अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी में आइसिंग शुगर ले ली है और उसे ऐसे करके स्प्रिंकल कर ले रही हूँ। पर अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप किसी भी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर चेरीज लगा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सी डेकोरेशन है पर ये केक देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, ये सिंपल स्पॉन्ज केक है, आप चाहे तो इसे अलग अलग फ्लेवर का बना सकते हैं। आप इसे पाइनएप्पल फ्लेवर है या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, या फिर आप चाहें तो इस पर अच्छी सी आइसिंग करके इसे ब्लैक फॉरेस्ट भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल केक है, इस क्रिसमस आप भी इसे अपने घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर कि ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अब मैं इसे काट के दिखा देती हूँ कि ये कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना हुआ है। ये देखिए कितनी आसानी से ये पीस कट जा रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, दबाने पे ये तुरंत बाउंस होके ऊपर आ रहा है। बहुत ही स्पंजी केक ये हमारा बना है। तो चलिए अब मैं इसे एक प्लेट पे रख देती हूँ और दूसरा वाला काट के दिखाती हूँ। ये केक देखने में लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है पर ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बहुत ही सुंदर सा पीस इसका कट के निकला है, ये देखिए। और ये देखिए मैं दबा के दिखा देती हूँ कितना स्पंजी ये केक बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही केक हमारे तैयार हो गए हैं। तो आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप भी इसे इस बार अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।